अरुण जी, मैंने आपसे लगभग 1.5 साल पहले आरओ सर्विस के पार्ट्स मंगवाए थे। आरओ के फिल्टर्स, आरओ का मेम्ब्रेन वगैरह मंगवाया था, लेकिन अभी 1.5 साल हो गया है। इसका फ्लो बहुत कम हो गया है, जो प्योर पानी हमारा टैंक में फिल होता है और ड्रेन पानी लगभग ठीक निकल रहा है। तो ये मैं आपको वीडियो बना के एक भेज रहा हूँ। सर का हमारे पास कॉल आया, मिस्टर साहू हैं वेस्ट बंगाल से, इन्होंने हमारे से 1.5 साल पहले आरओ के पार्ट्स लिए थे। तो हमने कहा कि मतलब जरा एक वीडियो बना के भेजिए हमारे को कि भाई क्या प्रॉब्लम आ रही है आपके वाटर प्योरीफायर में, प्योर पानी का फ्लो कैसा है, ड्रेन पानी का फ्लो कैसा है, जरा हम एक बार देखना चाहेंगे। तो देखने से पता चला कि इनके भाई लगभग 1.5 साल के करीब हो गए और TDS भी अगर अच्छा खासा है और पानी डेली का यूज होता भी है तो दिक्कत है इनके मेम्ब्रेन वगैरह और सेडिमेंट फिल्टर्स वगैरह तो वैसे भी चेंज कर देने चाहिए। लेकिन इनको एक डाउट था कि अरुण जी, हमारे जो बूस्टर पंप है उसमें भी प्रेशर मेरे को कम लग रहा है, मतलब ठीक ठाक है। हमने कहा उसी के लिए तो वीडियो हमारे को चाहिए कि हम बूस्टर पंप का प्रेशर देखना चाहते हैं। तो इन्होंने हमारे को दिखाया, तो देखने से यही थोड़ा आइडिया लगा कि बूस्टर पंप जो आवाज़ भी कर रहा था, दूसरी बात है वीडियो में हम आवाज़ नहीं सुना पा रहे, ये आवाज़ भी कर रहा था, प्योर पानी बहुत कम आ रहा है, तो बूस्टर पंप का प्रेशर भी बहुत ज़्यादा कम भी नहीं बोल सकते और इतना भी नहीं बोल सकते कि ये हमारी मेम्ब्रेन में प्रेशर अच्छे से फेंक रहा होगा। तो ऑनलाइन से इन्होंने पिछले साल ये पंप परचेज किया था, ये TDS वगैरह हमारे को दिखा रहे हैं। इनका कहना था कि अरुण जी, TDS वगैरह भी बढ़ गया है प्योर पानी का, जो तो क्या करना है जरा आप बता दीजिए, और अगर फिल्टर्स वगैरह चेंज करने हैं तो आप प्लीज़ किट वगैरह भेज दीजिए हमारे को। तो हमने आपको ये वीडियो भेज दिया है, जो भी आपको ज़रूरी लगता है वो भेज दीजिए। बूस्टर पंप का इनको भी डाउट था और हमें भी इसकी आवाज़ से पता चल रहा है जो एक्चुअल प्रेशर होना चाहिए। ठीक है, थोड़ा बहुत प्रेशर बना रहा है तो थोड़ा सा हमारे को लगता है यार प्रेशर तो बना रहा है, लेकिन भाई अगर आपके यहाँ TDS ज़्यादा है और 1.5 साल भी हो गया, मेम्ब्रेन भी चोक हुई होगी, दूसरी बात यह है कि ऑनलाइन वाला पंप है, इनको तभी डाउट हो गया था। इन्होंने लगभग 1.5 साल पहले भी हमारे को बताया था कि अरुण जी, मैंने ऑनलाइन से पंप लिया लेकिन है डाउटफुली, चल गया होगा 1.5 साल चल गया होगा, लेकिन देखिए जो ड्रेन पानी की भी जो स्पीड होनी चाहिए ना वो भी उतनी नहीं है, उससे भी आइडिया हो जाता है कि ड्रेन पानी बहुत कम धार से निकल रहा है। तो इसका मतलब है कि पंप तक अगर प्रेशर सही आ रहा है और पंप के बाद अगर प्रेशर नहीं आ रहा है, या जितना एक्चुअल वेस्ट पानी निकलना चाहिए वो भी नहीं निकल रहा है। तो इनका कहना था कि अरुण जी ठीक है, आप पंप वगैरह भी भेज दीजिए और आरओ मेम्ब्रेन वगैरह और ये सारे पार्ट्स भेज दीजिए। तो ये जो अभी आपने एक वीडियो क्लिप देखी 3 मिनट की, अब आपको हमारे से बेनिफिट ये हो जाता है कि भैया अरुण जी से पार्ट्स लोगे तो ऑनलाइन सपोर्ट पूरा मिलेगा आपको। अगर आप अपना आरओ खुद ही हैंडल करते हैं और अगर आपके आरओ वाटर प्योरीफायर में कोई प्रॉब्लम आती है तो भाई आपका कोई टेक्नीशियन का चार्ज तो बच जाता है ना। अरुण जी आपको सारी चीज़ें, या अरुण जी की जो टीम है, अरुण जी के जो एक्सपर्ट टेक्नीशियंस वगैरह हैं, वो आपको सपोर्ट पूरा देते हैं कि अगर आप अपना आरओ दिखा रहे हैं कि अरुण जी हमारे आरओ में जरा देखिए, हम आपको वीडियो भेज रहे हैं पंप का प्रेशर कैसा है, मेम्ब्रेन चोक है या नहीं, और अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो सारे आप हमारे से डाउट क्लियर कर लेते हैं। तो ये जो भाई साहब साहू जी हैं वेस्ट बंगाल से, जिन्होंने ये वीडियो भेजी थी, इन्होंने हमारे से लगभग 1.5 साल 1.5 साल पहले आरओ के पार्ट्स वगैरह लिए थे, लेकिन इन्होंने हमें तभी बोला था कि अरुण जी मैंने इसके अंदर जो पंप लगा रखा है ना, ऑनलाइन से कोई आयोनिक्स कंपनी का कोई 1200-1300 रुपये का शायद मेरे ख्याल इन्होंने पंप लिया था, मेरे को जहाँ तक याद है, थोड़ा बहुत मैं एग्जैक्ट नहीं कहूँगा लेकिन मेरे को याद है इन्होंने हमारे को बोला था कि आयोनिक्स कंपनी का हमने पंप भी लगाया है। तो मैंने कहा सर आयोनिक्स कंपनी हम नहीं जानते क्या है कंपनी, उसके बारे में हम नहीं जानते, हमें बस अपनी क्वालिटी का पता है कि हमारी क्वालिटी कैसी है, उसका फ्लो कैसा है, उसकी लाइफ कैसी रहने वाली है। तो उन्होंने कहा ठीक है अरुण जी अभी तो चल रहा है, लेकिन आज फोन आया कि अरुण जी जैसा आपने वीडियो में देखा उनकी मोटर में आवाज़ आ रही है, आपने देखी होगी पूरा, उन्होंने पूरा मेरे को वीडियो बना के भेजा अपना आरओ को हैंडल कर रहे थे। तो हमने कहा जी आपकी मोटर भी गई हुई है, भले आपको लग रहा है कि प्रेशर बन रहा है, लेकिन जो उसका एग्जैक्ट प्रेशर हमारी मेम्ब्रेन को चाहिए वो प्रेशर ही नहीं बना रही है आपकी मोटर। तो उन्होंने कहा ठीक है अरुण जी मेरे को मोटर वगैरह भी एक भेज दीजिए, क्योंकि मैं अब आयो मतलब ऑनलाइन से नहीं लेना चाहता, और मेम्ब्रेन भी रोड रोक पर भी जो फ्लो आ रहा है उसके कहते हैं वो भी चेक कर लेंगे। दूसरा ये फिल्टर्स वगैरह भी लगभग 1 साल हो गया मेरे को, 1 साल में करने थे लेकिन 1.5 साल हो गए, 3-4 महीने ओवर हो गया, तो ये फिल्टर वगैरह भी मैं चेंज कर दूंगा। बाहर का प्री फिल्टर मेरे पास आया, तो ये सारे कनेक्टर्स वगैरह जा रहे हैं भाई साहब के पास। तो भाई साहब सबसे पहले तो हम धन्यवाद करना चाहेंगे साहू जी का, इस बार उन्होंने ऑनलाइन से नहीं लिया,
इस बार उन्होंने बूस्टर पंप हमारे से लिया, वैसे भी पार्ट्स इन्होंने एक दो बार हमारे से लिए थे, और भाई बंदा दोबारा ऑर्डर क्यों करता है, उसे क्वालिटी बढ़िया लगी होगी या बंदे को पूरी सपोर्ट मिलती है तो इसीलिए तो दोबारा ऑर्डर करते हैं। तो हमारी पूरी कोशिश यही रहती है कि आपको एक रेट डील दी जाए, प्राइस अपनी तरफ से जो बेस्ट हो सकता है वो दिया जाए। सबसे बड़ी बात है कि प्राइस हो सकता है कि हमारा आपको लगे कि ऑनलाइन से थोड़ा ज़्यादा, लेकिन आपको ये शॉर्टी मिलती है कि अरुण जी के पास से जो पार्ट्स आ रहे हैं वो बढ़िया होंगे और ओरिजिनल होंगे। अब उसकी लाइफ कितनी चलती है वो एक अलग होता है, कि एक तो होता है कि चलो हमने पार्ट ही पता नहीं विदाउट ब्रांडेड लिए, उसके लिए तो हमें पता है कि वो पता नहीं क्या चल रहे हैं, लेकिन यहाँ ये संतुष्टि रहती है कि मेरे पास सामान ओरिजिनल आया। अब वो उसकी लाइफ हमारे यूज़ के ऊपर डिपेंड करती है और कैसे हम उसे हैंडल करते हैं, ये सारी चीज़ें होती हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को यार ये लाइक ज़रूर करना है, शेयर करना है, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, आज नहीं तो कल आपके काम आएगा चैनल, फिर ढूंढोगे अरुण जी का चैनल कहाँ गया। वो अच्छी बातें बता रहे थे, अच्छी सपोर्ट दे रहे थे, और आरओ के बाद में बारे में बहुत अच्छी जानकारी उन्होंने दी थी, तो अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, थैंक्स फॉर वॉचिंग। पैक कर दिया गया है, जब पूरा इसे बंडल बनाया जाता है फिर पूरा इसे अच्छे से पैक किया जाता है, देखा जाता है कि कौन सा फिल्टर कहाँ रखना है, तब जाके इसे पैकिंग की जाती है, और कोरियर में पूरा डायमेंशन वगैरह भी चलता है और वेट वगैरह भी चलता है कि वेट कितना है आपका। जब कोरियर आपका बुक करते हैं तो उसके कहते हैं सारा हमें साइज़ वगैरह डाल के पैकिंग करनी पड़ती है अच्छे से, तो ये पैकिंग हो रही है।